नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। वो चिल्लाती रही और दरिंदे नोचते रहे, फिर दरिंदे भागते रहे और पुलिस उनका एनकाउंटर करती रही। जी हाँ, 10वें दिन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के मुजरिमों को सजा मिल चुकी है। मेरे लास्ट शो में एक सवाल निकल कर आया था कि बलात्कारियों को सजा होने में देरी क्यों होती है। तो दोस्तों, आज जब सवेरा हुआ और सामने थी एक बड़ी खबर कि तेलंगाना पुलिस ने दिशा मर्डर केस के सभी आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर डाला, इस खबर पर एक दफ़ा तो यकीन नहीं हो पा रहा था। लेकिन हकीकत में तेलंगाना पुलिस ये कारनामा कर चुकी थी। इसके बाद देश भर में तेलंगाना पुलिस को सराहा जा रहा है और देश भर में खुशी का माहौल बन गया है। तेलंगाना पुलिस को देश का हर नागरिक सलाम ठोक रहा है। वहीं चंडीगढ़ में हमारी संवाददाता अलीशा जुनेजा लगातार लोगों के साथ जुड़ी हुई है और उनसे जान रही है कि 10वें दिन इंसाफ मिलने के बाद लोगों का दिल आखिर क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं आखिर इस एनकाउंटर का पूरा प्लान क्या था। रेप मर्डर केस के चारों आरोपियों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड पर भेजे जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान भी हो चुका था जिसमें केस की जल्द से जल्द सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस का एक किरदार निभाना अभी बाकी रह गया था। वो ये कि अधिक से अधिक सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किया जा सके, जिसके बाद ये साफ हो जाता कि मुजरिमों ने घटना के लिए क्या साजिश रची थी। फिर तेलंगाना पुलिस का एक्शन मोड़। वीरवार देर रात पुलिस जब चारों को घटनास्थल पर लेकर पहुंचती है तो वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस उनका एनकाउंटर करती है जिसमें वे सभी आरोपी मारे जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है दिशा को इंसाफ देने वाली तेलंगाना पुलिस ही है। पुलिस के उठाए इस कदम की हर जगह तारीफें हो रही हैं और ये बात तो समझने वाली है, जिन बहादुर पुलिस वालों ने ये काम किया है वाकई जब वो घर से निकले होंगे तो शायद उनकी बहन, बेटी या माँ ने उनसे ज़रूर पूछा होगा कि दिशा को इंसाफ कब मिलेगा। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ में लोगों ने इस एनकाउंटर पर क्या प्रतिक्रिया दी, देखें। तो जो हुआ है पुलिस को सैल्यूट है। एनकाउंटर इज द लास्ट ऑप्शन फॉर अस। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी लड़की सेव नहीं होगी। एनकाउंटर होना चाहिए जो लोग रेप करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी, आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। 27 नवंबर को हैदराबाद में हुए बलात्कार केस से लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिसके चलते लड़कियां हमारी सरकार से सवाल कर रही थी कि कब तक हम चलेंगी और कब तक हम इन राक्षसों के हत्थे चढ़ेंगी। हाल ही में इस केस में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर उन 4 युवकों का एनकाउंटर कर दिया। इसी के चलते हम मौजूद हैं इलांटे मॉल के बाहर, जहां हम युवतियों से पूछेंगे कि उनका इस जो पुलिस ने आज एनकाउंटर किया है उसके बारे में क्या कहना है। हाल ही में हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था उसमें एक नया मोड़ सामने आ गया, आज उन 4 मुजरिमों का एनकाउंटर कर दिया गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा किया है उन्होंने, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ और सरकार को ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी लड़की सेव नहीं होगी। अगर उनके साथ उनके जैसा वो उन्होंने किया है उनके साथ वैसा ही होना चाहिए था। इनकाउंटर करके पुलिस ने बहुत अच्छा किया, मेरी तरफ से आई एम सो इम्प्रेस। मैम, जो हाल ही में रेप केस हुआ था हैदराबाद में, आज उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है, जो 4 मुजरिम आज उनका एनकाउंटर हो गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही किया है और यही होना चाहिए सी। जिस तरह पहला अपना निर्भया वाला केस उन्होंने पेंडिंग छड़िया होया और ये ना पेंडिंग छड़ के बहुत अच्छा किया है कि जो अजकल साड़िया लड़कियां कहते तो हैं आज़ाद है, बट आज़ाद है कितने? ना तो उन्होंने स्कूल जाने कोई मतलब कि इस तरह का है, कहन या किताबों से गल्ला सुनने पब्लिक सुन बहुत कुछ मिलता है, पर ना लड़की स्कूल के मतलब कि कुछ है उन्होंने को जड़े अपने फ्रीडम जा सकती हैं, ना कॉलेज के अंदर, ना कितने अपना ट्यूशन वगैरह, ना कितने घूमन इस तरह का कितने भी कोई माहौल नहीं है जोड़ा मतलब कि लड़की मतलब कि आप सफिशेंट कह दिए कि हाँ साड़ी बेटी बाहर गई है
वो स्टडी करने गई है, वो घूमन गई है, जो मार्केट गई है, वो सही सही सलामत वापस आ जाएगी। कितने कितने साडे सरकार दी नलैकी है कि जेड़ा वो साडे मतलब कि औरत दे लई इलैक्शन दे वेले ही कोई ऐसा मतलब कि करते हैं कि औरतों नूं बड़ियां फैसिलिटियां दित्तियां जाणगियां, बट इहो जिहा हुंदा नहीं। सर, जो हैदराबाद में रेप केस हुआ था, मतलब आपकी भी बहन होगी, आपकी भी वाइफ होगी, तो आपको मेरी गुड़िया है मेरे पास, वही आपकी भी गुड़िया होगी, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि मतलब जो आज आज जो पुलिस वालों ने फैसला लिया है वो ठीक लिया? बहुत बढ़िया फैसला लिया है। अगर ये काउंटर असली है तो उनको सलूट है, अगर ये काउंटर नकली भी है तो उनको डबल सलूट है। सर, मैं उस आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आए दिन हमारे देश में जो रेप की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो कोई भी लड़की अपने को सेफ महसूस नहीं करती, तो सरकार को उसके लिए क्या एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए? सरकार के लिए बहुत बहुत ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वो हमारे लिए सिचुएशन है कि हमारी कोई भी बहू बेटी या कोई बाहर जाती है तो उसके लिए कुछ ऐसी घटना हो जाए तो उस फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बीतती है, और बीतने के ऊपर ही उसके लिए कुछ भी बताना, कुछ भी कहना भी बहुत गलत होगा कुछ भी। लेकिन सरकार को इसलिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए इसके लिए, कुछ ना कुछ जो जो काउंटर हुआ ऐसे ही काउंटर होना चाहिए। मैम, जो हैदराबाद में रेप केस हुआ था उसमें पुलिस ने उन चार मुजरिमों का एनकाउंटर कर दिया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, आई थिंक यही होना चाहिए जो लोग रेप करते हैं। अब आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कोई भी लड़की कहीं भी जाए तो वो सेफ नहीं फील करती, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स राइट कि एनकाउंटर होना चाहिए जो लोग रेप करते हैं। मैम, हमारे देश में रेप के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम बात करें 2012 में निर्भया और भी पता नहीं कितनी ऐसे केस हैं जो लड़कियां जो बेचारी जॉब पे जाती हैं या जो स्टडी में जाती हैं, स्टडी करने जाती हैं, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। तो एज अ गर्ल आप भी स्टडी करती हैं, तो आप क्या गवर्नमेंट से आपकी क्या दरखास्त है कि क्या ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिससे ये जो रेप के आंकड़े हैं वो कम हो जाएँ, मतलब रेप हो ही ना हमारे देश में, इनको कैसे रोका जा सकता है? आई थिंक उसके लिए एनकाउंटर्स करना हमें नेसेसरी करना चाहिए गवर्नमेंट को मेनली, कि ताकि जो लोग रेप करते हैं उनके मन में कोई डर हो। आजकल कोई डर ही नहीं होता, जो भी रेप करते हैं उनके मन में किसी चीज़ को लेकर डर ही नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोटेस्ट करेगी। और मोस्ट स्पेसिफिकली जो अंडर 18 आते हैं उनके लिए तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि अगर ओके यू आर अंडर 18 तो हम आपको चाइल्ड रिहेबिलिटेशन में भेज देंगे। तो इस तरीके से फिर जो अंडर 18 होता है कई बार वो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। आई थिंक सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एनकाउंटर्स होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम, हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था, आज उसके मुजरिमों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज अ गर्ल आपको आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो आज फैसला लिया गया वो ठीक लिया गया? हाँ, और मतलब जल्दी ही दे देनी चाहिए, यूँ नहीं कि लेट भी नहीं करनी चाहिए, सबसे बेस्ट तो एनकाउंटर हुआ है ना, मेरे हिसाब से उनको उसी वक्त ही मतलब कि फांसी या जो भी थी वो करना चाहिए था। इट्स वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन और वेरी गुड एक्शन। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, अभी तक भी उसमें कुछ वो नहीं आया था, बोलते हैं कि हम फांसी की सज़ा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। तो हमारे देश में जो रेप के आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए सरकार को क्या एक फैसला लेना चाहिए? ये तो चलो सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनको एनकाउंटर करना पड़ गया, ऐसा क्या उनको फैसला लेना चाहिए कि जो ये दरिंदे रेप करते हैं वो थरथराएं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है? आई थिंक इनको मतलब कि ऐसा कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस वक्त की, ताकि आगे से कोई ऐसा कुछ करने का सोचे ही ना। मैम, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? आप भी वर्किंग है, साथ के साथ ही मौत की सजा दिलानी चाहिए, ऐसे टाइम नहीं देना चाहिए कि अभी पहले जेल में रखेंगे फिर फांसी देंगे। आई थिंक कि उसी वक्त ही डिसीजन, कोई फियर ही नहीं है किसी में, वो तभी करते हैं, उन्हें पता है कि केस चलता रहेगा। 19 जजेस होते हैं पर 10 लाख पीपल, जो तो जजेस ही नहीं, उन्हें पता है कि काम हमारा जो कोर्ट मतलब केस है वो चलता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा और बाद में वो फ्री हो जाते हैं कुछ, मतलब उन्हें उसी टाइम फांसी जल्द से जल्द ऐसे ही सिस्टम बनाना चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जाए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैम, जो रेप केस हुआ था हैदराबाद में, आज जो उसके मुजरिम थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज अ गर्ल आप भी वर्किंग है, आप भी स्टडी करती होंगी और भी मतलब कि रात को जाते हुए आपको खौफ महसूस होता होगा, तो जो आज फैसला लिया गया वो बहुत आपके हिसाब से क्या सही फैसला है वो जो लिया गया? एग्जैक्टली एज पर लॉ की कहते ना अंधा कानून, सो आई ऑल्सो बिलीव कानून ऑलवेज अंधा ही रहेगा, सो एनकाउंटर इज़ अ लास्ट ऑप्शन।
सो आई थॉट कि जिन्होंने किया है कि ऑल पुलिस मस्ट बी डूइंग दिस वर्क, कि अभी हम लोग ये ना देखें कि मुझे उसको पकड़ना है देन हम उनको 13-14 दिन कस्टडी में रखे, इट्स अ बेटर आइडिया आई थिंक. हर एक रेपिस के साथ ये हो तो रेप कम हो जाएगा. आई थिंक आई एम ऑल्सो एम्प्लॉयर लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग. तो अब ये होता है कि रात को नहीं जाना है सो मस्ट बी ट्राई कि हम होटल ना ठहरे. सो वी विल कि जहाँ मुझे जैसे सपोज आई एम फ्रॉम लाइक अनदर सिटी, अगर मैं चंडीगढ़ हूँ तो मैं यहाँ पे अपने रिलेटिव प्रेफर करूँगी, नॉट बी स्टेइंग फ्रॉम एनी वे कि पता नहीं ऑटो वाला मुझे सही जगह पे लेके जाएगा, कैब वाला मुझे सही जगह पे लेके जाएगा. सो दिस इज़ अ फेबुलस लाइक मैं तो ये कहूँगी कि नेक्स्ट जो भी रहे एनकाउंटर इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर अस. मैम जो हैदराबाद में रेप केस हुआ था उसके जो मुजरिम है उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो एज अ गर्ल आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो फैसला लिया गया वो ठीक लिया गया? येस एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर किसी ने ऐसा कुछ किया इसके पीछे कोई सही इंटेंशन तो हो नहीं सकती, गलत ही है, तो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस ही नहीं है कि वो लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मजबूरी या क्या. तो जो हुआ हैदराबाद पुलिस को सल्यूट है कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया. आई एग्री विद दैट. मैम आपकी भी बेटी बाहर जाती है और मतलब कि बहुत हमारे देश में ऐसी माएँ हैं जिनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है, उनके दिल पे क्या बीती होगी एज ए मदर? मतलब जो आज फैसला लिया गया आपकी नज़रों में वो ठीक है? और दूसरा ये मैं जानना चाहूँगी कि सरकार को ऐसा क्या फैसला लेना चाहिए कि आगे से ये जो रेप केसेज है वो ना हो? देखो जो भी सरकार ने ये फैसला लिया एनकाउंटर में उन लोगों को किया, क्विक एक्शन किया, बहुत अच्छा है. पर मेरी आजकल इस चीज़ के लिए पेरेंट्स से भी ये है कि जो लड़के या जेंट्स अपने घर में औरतों पे अत्याचार करते देखते हैं, अपनी मदर को ऐसे करते देखते हैं, उनके मन में लेडीज़ के लिए कोई सम्मान नहीं और वो ही इसी तरह की फितरत आगे जाकर करते हैं. तो कुछ चीज़ें हमें अपने आप अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि क्या गलत है, औरत को एक अच्छे नज़रिए से, सम्मान के नज़रिए से घर में भी देखना चाहिए. और जिस समाज में जो तबका औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वहीं पे इसी तरह की वारदातें होती हैं. और सरकार से भी हमारा यही है कि वो औरत को एक सम्मान की दृष्टि से दे, बराबर के अधिकार दे, स्ट्रिक्ट रूल्स हों, बेसिकली रूल हों कि लोग डरे इस तरह से हुए कि आप नज़र भी ऐसे ना हो. इवन आई वाज इन द मॉल तो जो वहाँ पे और लोग होते हैं अगर आपकी थोड़ी क्लीवेज दिख रही है या कुछ हो रहा है वो ऐसे देखने लग जाते हैं लाइक इट्स अ बिग डील. आपको आपको एक फीमेल ने ही पैदा किया है बेसिकली, सो इट इज़ नथिंग न्यू. ऐसा संस्कार हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसे देने चाहिए कि उनकी नज़रों में बहन, मदर, सबके लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. और संस्कारों से भी बच्चा इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकता है. मैम आपके हिसाब से जो रेप करते हैं उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि निर्भया रेप केस हुआ था 12 में हुआ था, अभी तक बोलते हैं फांसी की सज़ा देंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया. अब नया तो 6 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए, इतना लॉन्ग वो नहीं करना चाहिए और इतना प्रेशराइज कर देते हैं. बहुत ज़्यादा हो गया, पीड़ित होती है, पकड़े जाओ तो इस चीज़ के लिए इतना समाज से लोगों से इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो ही पीछे हटना शुरू हो जाती है. क्या सज़ा? आई मीन ये चीज़ किसी की ऑब्वियसली किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया है. वो लड़की को खुद फील हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया है, बहुत मुश्किल से वो ऊपर उठ पाएगी फिर से, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेल क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है. मैम मारना है, उसको क्या हक है किसी लड़की को मारने का? उस बलात्कारी को हक नहीं है उस लड़की को मौत के घाट उतारने का? तो मुझे तो ऑब्वियसली लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, उसे टाइम मार देना चाहिए. अगर आपके साथ कोई कुछ गलत भी कर रहा है ना, आपको इक्वल होना चाहिए कि अगर इफ यू हैव समथिंग यू शुड हिट हिम बैक विद योर फुल फोर्स, चाहे उसको जैसे मर्जी लग जाए, ज़्यादा लगे कम लगे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं. बट हाँ ये भी है कि गर्ल फिर गर्ल पावर ज़्यादा आ जाएगी, ये वो इक्वालिटी होनी चाहिए. अगर वो बंदा गलत है पर वही है कि अगर मगर में ही टाइम निकलता जाता है, डिले होता जाता है, बट अगर कोई जला रहा है तुम भी इक्वल भी ऐसा है कि फिर तुम बच्चे छोड़ो कोई बात नहीं. पेरेंट्स पे इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, रिश्तेदारों का इतना दबाव पड़ने लग जाता है अड़ोस पड़ोस का, तो वो वैसे तो आपका ये कहना है कि जैसे मुजरिम उस लड़की को मौत के घाट उतारता है ऐसे उस मुजरिम को मौत के घाट उतारना चाहिए. बिल्कुल, राइट, बिल्कुल सरकार को ये पूरा अधिकार होना चाहिए. बिल्कुल सही फैसला. एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, मतलब कि आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में रेप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. तो जैसे कि आज हैदराबाद में जो बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है कि जो मुजरिम थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो किया गया वो सही किया गया? मैम ये तो बहुत ही एक तो सबसे दुखद बात है कि रेप केस हो रहे हैं, बट ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा सरकार का कि आगे भी कंटिन्यू कभी ये चीज़ दोहराई ना जाए, जो रेप केस है कभी दोहराया ना जाए. बट इन केस ये दोबारा से आते हैं तो सबसे पहले एक कदम उठाया जाए कि जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके हाथ में बेचारों के पास डंडे हैं, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है. अगर उनको कोई फैसला भी लेना है तो उनके लिए सोचना पड़ता है, ये करना पड़ता है.
बट प्लीज़ उनके लिए थोड़ा ये देखें कि कम से कम पिस्टल चलाने का तो हक हो। अगर उनके पास मौजूदा गन वगैरह हैं, अगर उन्होंने ये चीज़ देखी है, तो उनको हक है कि वो चलाएं, यूज़ करें, जिससे लड़कों में भी थोड़ा डर पैदा हो कि अगर हम ये गलत काम करते हैं तो आगे हमें कुछ सबक है देने वाला। हमारे जैसे कोई मीडियोकर फैमिली के हैं वो लड़के डर जाएंगे, बट जो हाई क्लास के हैं उनके लिए तो ये हो जाता है कि चलो देख लेंगे, हमारे जो गार्डियंस है, पेरेंट्स है, वो देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो प्लीज़ मैम, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है उनको इतना हक दे दिया जाए कि गन चला लें। हमने जितने भी देखे यहाँ तक सिर्फ डंडे, और टाइम टू टाइम जितना भी आपने निर्भया केस के बारे में भी पूछा था पहले, अभी तक वो कंटिन्यू है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। फांसी दे दें, फांसी बहुत ही मैम ये एक झटके वाली सज़ा है। जैसे ये तड़पा तड़पा के लड़कियों के साथ करते हैं ना मैम, बेशक उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लड़कों के साथ भी ऐसा ही करो, ताकि वो भी देख के डरें। और ये हो सके तो प्लीज़ इसको सामने करें, किसी बंद कमरे में उनको सजा ना हो, खुले में दीजिए, ताकि देखने वालों को भी डर हो और आगे के लिए सबक हो जाए। थैंक यू मैम, इतना ही कहना चाहूँगा। सर, जो हाल ही में हैदराबाद में 27 नवंबर को रेप केस हुआ था, आज पुलिस ने हम 4 मुजरिमों का एनकाउंटर कर दिया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस ने आज फैसला लिया वो ठीक था? नहीं, ऐसे इंस्टेंटली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है, बट हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो शुरुआत में ही ऐसा कर देते तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे इंस्टेंटली सुनने भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एकदम से ऐसे उनको शूट करके एनकाउंटर जो भी है। तो जैसे कि आपकी भी सिस्टर होगी, आपके भी मतलब और भी आपकी बहनें हैं, मदर है, कोई भी है, हमारे देश में लड़की महफूज नहीं है, तो जो मतलब सरकार को ऐसा क्या फैसला लेना चाहिए कि जो लड़कियां आज खौफ में जी रही हैं तो ऐसा ना हो? सरकार का भी इसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उनको, उनने फैसले लिए लड़कियों के अच्छे के लिए लिए, बट पब्लिक जो है उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर। जैसे मैं ही हूँ, मैं अपना ही मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मुझे भी कुछ वैसे सोचना चाहिए, कुछ रूल्स बने हैं तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। हमारा जो सरकार नारे तो बहुत लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। बेटी तभी बचेगी ना जब बेटी अपने आप को महफूज फील करेगी, क्योंकि हमारे देश में आए दिन तो इतने राक्षस हैं जो लड़कियों का इंतजार करते हैं कि उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करेंगे, तो लड़की अपना बचाव कैसे करेगी? वो स्कूल पढ़ने ना जाए या वो जॉब करने ना जाए, इसमें वही अपना परसेप्शन मेंटेलिटी सबकी वैसी है। रूल्स बने हैं, ऐसा नहीं है नहीं बने हैं, बट वही है ना कि मतलब जैसे अब रूल बना मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं जाके छेड़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा ये हम खुद पे पर्सनली मतलब इंडिविजुअली भी हमारी ये प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। सर, निर्भया केस हुआ था 2012 में, आज कितने साल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। बोला कि हाँ उसे फांसी की सज़ा होगी, ये होगी, जब वो इतने साल में उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी सरकार, वो तो चला सिचुएशन ऐसी होगी कि एनकाउंटर कर दिया गया, तो फिर क्या मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा फैसला तो लेना चाहिए ना सरकार को कि आगे ना हो ये सब? हाँ, इस बात पर तो फैसला लेना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पहले पिछले जो ये भी चल रहा है पहले इनको ख़त्म करो, बट जो आज मैंने सुना ये एनकाउंटर का वो भी मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। सिक्योरिटी के तरीके से जो लड़कियां रात को अपनी जॉब पे जाती हैं, कहीं भी ट्रैवल करती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि मतलब हमारे लिए ऑटो सेफ नहीं है, तो मतलब एज अ ऑटो ड्राइवर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैडम जी, अब जैसे सवारी रहती है उनको छोड़ते हैं, हमको ये ऑटो वाले कैसा है कैसा नहीं हम सबको जानते नहीं हैं, हाँ हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, सबका तो मैं देख नहीं सकता हूँ कौन कैसा बंदा है। हाँ, 50 प्रकार की सवारी मिलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, अपना देख सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं दूसरे की। हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था उसी के चलते आज हमने कुछ युवतियों और युवकों से बात की कि जो आज पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया है उनका उस बारे में क्या कहना है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो आज किया गया वो बहुत अच्छा किया गया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि जो आज किया गया वो अच्छा नहीं किया गया। तो अब देखना यह होगा कि अब सरकार ऐसा क्या फैसला लेती है कि हमारे देश में जो रेप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो घट जाएं, क्योंकि लोगों की मांग यही है कि जैसे लड़कियों को तड़फा तड़फा कर मारा जाता है उसी तरह इन मुजरिमों को भी मारा जाए। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ मैं अलीशा जुनेजा, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।